Hello guys, welcome back to the channel. तो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पहुंच गए हैं, जैसे हमें पीछे क्या है अपना मरीन ड्राइव का जो लॉन्चिंग काम है वो दिख रहा है आपको। ये सुपर स्ट्रक्चर जो लॉन्च करने वाला जो मशीनरी है, जो लॉन्चर है, वो आपको दिख रहा होगा। और ये पहुँच चुका है गांधी सेतु, एकदम सट गया है गांधी सेतु में, देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से बन चुका था ये ब्लॉक और ये वाला देख सकते हैं, एक ही जो पियर है यहाँ, ई पियर टू ई पियर, इतना ही गैप है, इसका लॉन्चिंग हो रहा है। जो गटर्स है उसको लटका के रखा गया है, जो सुपर स्ट्रक्चर है उसको लटकाया गया है। और बहुत जल्द जो इसका जो लॉन्चिंग है ये भी हो जाएगा एक आध हफ्ते में। और ये जो है इसका जो बचा हुआ है, इसका गटर्स ला के उधर रखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा, वहाँ साइड में गटर्स रखा हुआ है, तो वहाँ गटर्स रखे में उसका लॉन्चिंग होगी और ये दोनों जो है आपस में कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है कह सकते हैं कि आप उधर से चलना शुरू करेंगे। अगर आप दिग्घा से चलना शुरू करेंगे तो आप यहाँ तक बहुत ईजिली पहुँच जाइएगा, बहुत शानदार रफ्तार में पहुँच जाइएगा। तो ये देखिए बहुत खुशी हुआ। और इसका जो रफ्तार है लॉन्चिंग का, ये नेक्स्ट लेवल लॉन्चिंग हो रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट लेवल का रफ्तार है। क्योंकि हम लोग के हाजीपुर साइड में आप देख सकते हैं गंडक ब्रिज में जो लॉन्चिंग है वो आज से 15 साल से लॉन्चिंग हो ही रहा है, तो लॉन्चिंग हुआ नहीं अभी तक। और ये प्रोजेक्ट जो है अपना फेज़ वन कम्प्लीट कर चुका है, फेज़ टू में काम काफ़ी तेज़ी में है, फेज़ थ्री में काम काफ़ी तेज़ी में है। बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, 24 के अंत तक ये रेडी हो ही जाएगा। और देखते हैं कि हम लोग साइड का कब तक रेडी होता है, क्योंकि वो तो 15 साल हो गया है और कितना साल लगते हैं वो देखते हैं। पटना में जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है वो अपने रफ्तार से ऊपर चल रहा है, नेक्स्ट रफ्तार है वो लोग का। पर जो बाहर के प्रोजेक्ट है वो काफ़ी स्लो हैं, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो NH का हो, ब्रिज बनाने का हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, सब बहुत स्लो है। यहाँ मेट्रो का काम देखेंगे आप लोग तो मेट्रो का काम ही बहुत तेज़ी चल रहा है। और देखते हैं हमें पीछे गांधी सेतु का जो आपको दिख रहा होगा पिलर सब, वो लोग का काम भी काफ़ी तेज़ी चल रहा है। पिलर जो हैं पानी के काफ़ी ऊपर जो आपको दिखना शुरू हो गए होंगे। देखते हैं यहाँ बड़ी बड़ी क्रेन्स है वो सब लगे हुए हैं इसमें। देखते हैं वहाँ पर जो कॉन्क्रीटिंग का मशीन है, मशीनरी सब वहाँ लगा हुआ है। और एक सीधे जो आपको पाया जो दिख रहा होगा, क्रेन्स लगे हुए आपको दिख रहे होंगे लगातार में, यहाँ से वहाँ तक जो है क्रेन्स का आपको जो है कतार दिख रहा होगा। हल्का धुंध है इसलिए आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, विजिबिलिटी थोड़ा कम है। और हम आपको बैकग्राउंड दिखाते हैं कि आखिर जो है क्या क्या चल रहा है यहाँ पर। देख सकते हैं ये पिलर नंबर जो है 122 है लिखा हुआ दिख रहा होगा। और ये जो लास्ट पिलर है, पिलर होने वाला है इस सेगमेंट का, देखते हैं इसके बाद जो है हम लोग का ऐसा पिलर है। और यहाँ से होते हुए फिर जो आगे है फिर आगे जुड़ जाएगा गांधी सेतु नीचे से होते हुए। और मरीन ड्राइव का काम जो है वो अपना जो फेज़ वन है वो कंप्लीट है, और फेज़ टू जो ये होता ये भी ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड हो गया है। क्योंकि ये देखते हैं बस यहाँ और यहाँ बस इतना ही गैप बाकी है, इतना लटकाया गया है। यहाँ जो सुपर स्ट्रक्चर है उसको लटकाया हुआ है, इसको भी है बहुत जल्द जो है कनेक्ट कर दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो है बड़ी क्रेन्स जो है वो लगा हुआ है, गांधी सेतु का पिलर दिख रहा होगा आपको, क्रेन दिख रहा होगा वहाँ पर, वो एक लाइन से क्रेन होगा। और पीछे अगर देखते हैं गांधी सेतु का तो वहाँ भी काम बहुत तेज़ी चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के कारण जो है हल्का सा वो जो है डिले है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के कारण बीच में जो पाइलिंग है या फिर जो स्ट्रक्चर का काम है वो रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही कम्प्लीट होता है उससे काम हो जाएगा। इस जो सुपर स्ट्रक्चर का काम है वो अब अपने फाइनल स्टेज में है, अब यह बंद हो जाएगा बहुत जल्द। हो सकता है ये भी आगे की तरफ जाए लॉन्चिंग करने के लिए, या फिर इसको यहाँ जो है डिसमेंटल कर दिया जाए यहाँ से। इसका काम जो है पूरा चुका है। और देख सकते हैं आप लोग कि वहाँ पर जो है सुपर स्ट्रक्चर जो है लाया जा रहा है इस साइड, दिख रहे होंगे आपको, दिख रहा होगा वो सुपर स्ट्रक्चर जो है इस साइड की तरफ लाया जा रहा है, जस्ट उसको लोड किया गया है। देखते हैं वहाँ पर ये सुपर स्ट्रक्चर है उसको लाया जा रहा है इस साइड। देखते हैं धीरे धीरे किस तरह वो जो है हिल रहा है। अभी जस्ट जिसको है लोड किया गया। और जो है नेक्स्ट हम लोग ठीक सामने जो दिख रहा होगा वो जो पाइप लास्ट का जो दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, वहीं पे इसको उससे बगल में इसको हैंग किया जाएगा। देखते हैं वहाँ पे, और जो पूरा वर्क फोर्स है जो यहाँ पे वो जो अपना हरकत में है दिख रहा है आपको।
स्ट्रक्चर जो है लॉन्च होने बाद धीरे धीरे जो है इसको इधर लाया जा रहा है। और देखते हैं ऊपर जो वर्कर्स हैं लोग गए हैं इसको जो है डॉकिंग करने। देख सकते हैं ऊपर जो रड्स हैं उसके हिसाब से इसको है अटैच कर देंगे और फिर जो है स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर को लाने की जो तैयारी है वो किया जाएगा। तो धीरे धीरे कितना क्लोज आ चुका है, पहले वो कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुँचा, फिर नीचे आया, टर्न किया गया और फिर जो है नज़दीक लाया जा रहा है। धीरे नज़दीक आता जा रहा है वो और बस यहाँ पे इसको डॉकिंग कर दिया जाएगा और फिर जो है ये पर से चलेगा। हमने आपको जो है एक और जो सुपर स्ट्रक्चर को लॉन्चिंग होते दिखाया आपको, तो प्लीज़ हमारे चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी हम चलेंगे और अगले वीडियो आपको जो मिलेगा गांधी से तो जो है अपडेट मिलने वाला है आपको, वो मिलेगा। तो जो लॉन्चिंग है उन्होंने आपको दिखा दिया एक और उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो जय हिंद जय भारत जय बिहार, और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा 24 को। और बहुत जो है डिले होता है वीडियो में, लेकिन हम ट्राई करेंगे जल्दी वीडियो डालने के लिए, कुछ कारणों से और गर्मी ज़्यादा है तो हम लोग जो वीडियो आने में थोड़ा देरी होता है और काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कत होता है, उसके लिए सब्सक्राइब तो बनता है चैनल को और एक लाइक जरूर बनता है वीडियो को। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। We'll be right back.